नमस्कार प्यारे सब्सक्राइबर्स, तो देख सकते हैं स्क्रीन पर AMEC 1005 प्रिंटर है। इससे संबंधित एक इशू का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपको बारीकी से इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखिए हम प्रिंट करते हैं ना, तो बीच में देख सकते हैं ये व्हाइट लाइन आ रहा है, एक नहीं सभी पेपर्स में आ रहा है इस टाइप का। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ईजी। जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर वो डार्किंग पे हम लोग चल लिए, डार्क भी कर लिया मैंने सेट, अब प्रिंट करते हैं। और इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और 1005 प्रिंटर से कांटे से संबंधित अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोज अपलोड है। आपको दिखाता हूँ इस प्रिंटिंग के बाद कि यह हमारा प्रॉब्लम किस प्रकार से, देख सकते हैं ये सेम प्रॉब्लम है। देख इसमें करना कुछ नहीं है, आपको कार्टेज खोलनी है। ओके चलिए यहाँ पर ये कार्टेज जो हमारा है इसको निकाल दें। देखिए इसमें बहुत हल्का हो चुका है, आपको तो महसूस करके बता सकता हूँ। इसमें हमारा जो रिफिलिंग है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर इमरजेंसी केस में ऐसा प्रिंट कर रहे हैं और रिफिलिंग ख़त्म हो गई है, 12 एक कार्टेज है देख सकते हैं, और ऐसा 88 या 80 या कोई भी कार्टेज है, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या प्ले लिस्ट में जाइए। करना कुछ नहीं, इसको दो बार चार बार हिला डुला देना है। ओके इमरजेंसी कोटा के लिए दो बार चार बार इसको हिलाना है कस के, ठीक है, इस प्रकार से झटका देना है, एक दो बार इसे ठोक लेनी है। चलिए इसके बाद इसे फिर लगा देनी है, और ज़्यादा नहीं 20-30 पेज हो सकती है इससे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बताया है ताकि आप लोग क्या कर सकें, कुछ नया सीख सकें। चलिए वीडियो को मैं पॉज नहीं करूँगा ताकि आप लोग अच्छा जानकारी पाएँ। देखिए हमारा प्रिंट अब आने वाला है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये हमारा देखिए सही पुराना वाला और ये वाला, इन सभी को देख सकते हैं आप। ये देखिए सही है प्रिंट, एकदम दिख रहा है, गौर से देख सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई घबराइए नहीं। अगर इसके बाद भी अगर रिफिलिंग करते हैं और उसके बाद भी सही नहीं होता, तो क्या करें कि आप 1005 प्रिंटर से संबंधित या 12 कांटे से संबंधित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे फॉल्ट्स को एकदम बताया गया है। ओके तो मिलते हैं इसको रिफिलिंग करने के बाद, देखते हैं कैसा प्रिंट आता है। तो दोस्तों रिफिलिंग हमने कर लिया है, अब रिफिलिंग के बाद देखते हैं कि हमारा फोटोकॉपी कैसा आता है। चलिए हमने इसे लगा दिया। देखिए जब भी रिफिलिंग कीजिएगा, अगर नहीं रिफिलिंग करने आ रहा है तो हमारे चैनल पर रिफिलिंग के लिए बहुत अच्छा तरीके से बताया गया है। डेमो पेपर प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। अगर इसके सेटिंग्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। देखिए अब रिफिलिंग के बाद हमारा कैसा आ रहा है। देखिए रिफिलिंग करने के बाद बहुत सही आ रहा है, वो दो चार फोटो कॉपी कीजिएगा तो सही हो जाएगा। हमने रिफिलिंग कर लिया है, आपको अगर करने में परेशानी हो रही है तो ज़रूर विजिट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर इस प्रिंटर से संबंधित कोई फॉल्ट है तो ज़रूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।